फ्यूचर ऑफ इंडिया आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड, जिसको एमपीएस इन्फोटेक के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली कई मुद्दों पर इस स्टॉक के बारे में आज डिस्कशन होगी, क्योंकि काफी दिनों के बाद डिस्कशन हो रही है। सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार नीचे क्यों जा रहा है, कब तक नीचे जाएगा, कहाँ तक जाके ये प्राइस नीचे ठहरेगा और उसके बाद फिर बाउंस बैक मार्केट प्राइस ऊपर उठेगा, इसके बारे में तो बात होगी। साथ में जो कंपनी के क्वार्टर के नंबर हैं, क्वार्टर के नंबर भी आ गए हैं, इसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म में क्या तेजी क्या ग्राउट आएगी इसको भी समझेंगे, और भी तमाम जो अपडेट्स हैं सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जब आप बीएस इंडिया वेबसाइट पर देखेंगे तो अभी आप देखेंगे जो विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड कंपनी है ये ESMSS2 में है। सेबी ने इसको रेड फ्लैग में डाल दिया है। रेड फ्लैग में कोई स्टॉक तभी जाता है जब उसमें लगातार गिरावट या बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिले। ये सामान्यतः छोटे स्टॉक में ज्यादा दिक्कत आते हैं। देख सकते हैं कई दिनों से स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही चलते हुए देखने को मिलेगा। अब लोअर सर्किट में चल रहा है जिस वजह से भी इसको ESM की कैटेगरी में डाल दिया है, तो अब आपको बाय सेल करने में लोगों को दिक्कत आ रही होगी। तो सेल करना है कि मेरा सवाल सबसे पहले तो यही है, क्योंकि विशेष इन्फोटेक्निक जिस सेक्टर है, जिस इंडस्ट्री में काम करता है, उसका फ्यूचर काफी मतलब ब्राइट है और शेयर प्राइस लगातार इसमें लगातार तो नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके ऊपर आपको जाते हुए दिखेगा। तो इसलिए यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स है तो बेशक होल्ड कीजिए, थोड़ा देखिए शेयर मार्केट में समय देंगे तब पैसा बनेगा। पेशेंस से पैसा बनता है, घबराने से पैसा नहीं बनेगा। इन्फोटेक्निक्स अभी लोअर सर्किट में है, इससे आपको घबराना नहीं है। मैं बताऊंगा कहां पे जाके प्राइस ठहरेगा, कब लोअर सर्किट हटेगा। काम के बारे में यदि हम लोग बात करें, क्योंकि बहुत से नए व्यूवर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जानेंगे, तो इस सब चीज़ों को डिस्कशन करना जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि जो विशेष इन्फोटेक्निक्स कंपनी है वो एक IT सेक्टर से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान करती है। बेसिकली IT के सेक्टर में पूर्ण रूप से काम नहीं करती है, लेकिन इससे संबंधित जुड़ी हुई जो तमाम सेवाएं होती है वो कंपनी मुहैया कराती है। जो कह सकते हैं IT की क्षेत्र की कंपनी है, और साथ में जो देखेंगे तो टेली कम्युनिकेशन से भी थोड़ी बहुत ये कंपनी जुड़ी हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, और टेली कम्युनिकेशन के भी थोड़ी बहुत सर्विस की कंपनी मुहैया कराती है। ये काम हो गया। काम देखिए, IT सेक्टर का भविष्य तो काफ़ी उज्ज्वल है, हम सभी जानते हैं। तो IT सेक्टर पर दांव खेला जा सकता है, आपको काम के बेसिस पे शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बनने को दिखेगी। फंडामेंटल को यदि हम डिस्कस करें, तकरीबन 283 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। स्टॉक का PE नज़ारा देखे, हम लोग तो चार्ट पर लेवल देखते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करें कहाँ पे इसको उठाना है, तो PE कुछ खास हमारे लिए मायने नहीं रखता। शेयर प्राइस कंपनी के बुक वैल्यू से कम है, ये चिंता की बात है। शेयर का जो प्राइस होता है वो हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, और कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है देखेंगे तो यह भी माइनस में है। हालांकि ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएगी, जैसे मैंने बताया कि कंपनी के क्वार्टर के नंबर आते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर के नंबर यदि लगातार अच्छे आ रहे हैं तो कंपनी का फंडामेंटल ग्रो कर जाएगा। बाकी काम तो काफ़ी बढ़िया है ही। तो काम और फंडामेंटल को डिस्कस करने के बाद चलिए अब टेक्निकल को भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कंपनी का टेक्निकल डाटा क्या बोलता है। तो अभी देखेंगे तो एक साल के चार्ट पर हम लोग आ गए हैं, और एक साल के चार्ट पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद जैसे कि आप जानते हैं लंबी तेजी बनती है, बना ऊपर गया प्राइस। अब यहाँ पर जाके एक पैटर्न बनाया, तो जो लोग टेक्निकल जानते हैं उनको पता होगा कि जब भी मार्केट में जब चार्ट पर एम पैटर्न बनता है तो प्राइस कहाँ आता है, प्राइस नीचे आता है। तो यही सी बात है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, हालांकि स्टॉक में अभी भी तेजी बरकरार है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर प्राइस ऊपर गया, 80 पैसा पर जाने के बाद फिर प्राइस थोड़ा सा डाउन आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, या हो सकता है कि उन पुराने लेवल के आसपास आया, 70 पैसा के आसपास आया, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लेके फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठे, तो इजिली आपको 1 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। तो टेक्निकल डाटा तो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक का, और टेक्निकल के हिसाब से चलें तो शेयर प्राइस में बहुत कम समय में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। देखिए होता क्या है कि जब भी प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है ना, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग होता है एक सर्टेन लेवल पर जाने के बाद, और चूंकि 80 पैसा 1 रुपये ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और प्राइस नीचे आ रहा है। अब प्राइस काफ़ी नीचे आ रहा है तो जिस वजह से इसमें लोअर सर्किट लग गया है। अब लोअर सर्किट लगना या अपर सर्किट लगना ये समय समय पर लगते रहते हैं, तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर हैं उन्हें अभी होल्ड करने की सलाह दी जाएगी। बाकी जो नए व्यक्ति एंट्री करना चाहते हैं वो जब प्राइस जहाँ से रिट्रेसमेंट मार के ऊपर उठने लगे वहीं पर आप एंट्री ले लेंगे, और इतना कम पैसा लगाइए कि जितना डूब जाए तब भी आपको तनाव नहीं हो, क्योंकि शेयर मार्केट में हमेशा वही पैसा लगाते हैं जो रिस्क फ्री हो। अब यदि हम कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर को देखें तो जो दिसंबर क्वार्टर के आपको रिजल्ट आए हैं वो कम होते हुए दिखे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जहां पिछले बार 21 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, इस बार कम होकर 12 लाख के आसपास हुआ है। यही मेन वजह है कंपनी के शेयर प्राइस में आपको उतनी स्ट्रांग तेजी नहीं देखने को मिल रही है। साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो मतलब मेन बिजनेस से कमाई है, वो देखेंगे तो माइनस में चला गया है, क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं। कंपनी चलाना है तो भले कमाई हो या ना हो, खर्चे तो लगेंगे, देखेंगे खर्चे इसके सेल्स से ज़्यादा हुए, जाहिर सी बात है इसमें फिर कंपनी को लॉस होगा। हाँ, एक ही अच्छी बात है इस स्टॉक में, जब आप बैलेंस शीट देखते हैं तो वहाँ पर देखेंगे कंपनी के जो डेप्ट है पिछले कुछ समय में लगातार कम हुए हैं, कंपनी के कर्जे कम होते हुए दिखे हैं, और जो कंपनी के पास रिजर्व पैसा होता है जो फ्री कैश फ्लो, वो कंपनी का आपको हालांकि पिछले 2 क्वार्टर देखें तो कम ही हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर मुकाबले देखेंगे यहाँ पे तो ये पिछले क्वार्टर मुकाबले इस बार बढ़ते हुए दिखा है, यानी कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है, कंपनी की इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं, कर्जा कम हो रहा है,
कर्जा जैसे कम हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएगी। देखिए लंबी अवधि में मुझे लगता है, मेरा ऐसा पर्सनल मेरा विचार है कि विशेष इन्फो टेक्निक्स बेहतर रिटर्न निकाल कर देगा आपको। यदि मतलब बहुत काम का पैसा नहीं लगाए इस स्टॉक में तो आपको उसमें समय देना चाहिए। इससे रिलेटेड मन में कोई भी सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।